मेरे पास सोनल मैम आए थे, उन्होंने मुझसे काउंसलिंग करवाई। तो अब उनको मेरे से काउंसलिंग करवाने के बाद क्या बेनिफिट हुआ वो आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। बताइए सोनल मैम, आपको क्या बेनिफिट हुआ? थैंक यू निधि मैम। पहले तो मैं निधि मैम से फोन पे जब हमारी बात हुई थी, मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो यूट्यूब में तो बहुत अच्छे उनके सेशन लगते थे। फिर यूट्यूब देख के मैंने फोन किया कि यार मेरी लाइफ में तो ये है, मैं ऑफिस जाती हूँ पर घर को मैनेज नहीं कर पाती हूँ। एक तरफ बच्चों की स्टडीज इतनी प्रेशर पे होती है तो वो मैनेज नहीं कर पाती थी, हस्बैंड के टाइमिंग्स को या लोगों की मतलब जो जरूरत है उनको फुलफिल कर पाने में असक्षम फील कर रही थी। कहीं ना कहीं मैं इंटरनल अपसेट फील कर रही थी। फॉर दैट रीजन वो स्ट्रेस का रूप ले चुका था और मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। जब मैंने निधि मैम को फोन किया तो फोन पे ही मुझे आधा रिलैक्सेशन मिल गया कि यार मैं सही जगह पे पहुंची हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतनी बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे उनके स्टेप्स को मैंने फॉलो करती गई। फिर उन्होंने मुझे जूम मीटिंग पे काफी सेशंस दिए, 3-4 मीटिंग में तो हम लोग काफी अच्छा फील करने लगे। जैसे कि मेरा जो मैरिटल रिलेशनशिप था या जो अंडरस्टैंडिंग इश्यू था या वो एडजस्टमेंट इश्यू था, मैनेजिंग इश्यू था, वो सारे इश्यू को लेके मुझे बहुत इजीनेस लगा यार कि एवरीथिंग गोज फाइन, एवरीथिंग गोज वेल। तो बहुत मतलब एक लगा कि नहीं, अब बहुत अच्छे से ऑफिस में भी सबको मैनेज कर पा रहे हो, घर में भी सब कुछ, बच्चे भी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कूलनेस, जो शांति, काफी चीज उन्होंने मुझे मैनेज करना सिखाई। रियली थैंक्स टू निधि मैम। और मैं किसी को भी रेफर करूंगी कि पहले एक बार निधि मैम से एक बार जरूर बात करें, कहीं पे भी यू आर फेसिंग अ इश्यू, चाहे वो घर रिलेटेड इश्यू हो, चाहे वो कोई भी परिवार रिलेटेड इश्यू हो, या ऑफिस में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वर्क बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो ऑलवेज उनके पास हर तरह की काउंसलिंग है जो आपको उसे कम आउट करने के लिए आपको 100% सपोर्ट रहेगा। एनीवेज थैंक यू निधि मैम, थैंक यू। आप हमारी जिंदगी में आके आपने एक भगवान का रूप अदा किया है और बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप ऐसे करते रहो काउंसलिंग। एनीवेज हमारे और भी काफी 2-3 फ्रेंड है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू।